शराब के कारण पत्नी और पुत्र से दूर हुए युवक ने नेशनल लोक अदालत में समझौता कर शराब छोड़कर अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन यापन करने का संकल्प लिया। 11 फरवरी 2020 को बबीता बाई निवासी ग्राम बुलाए और उसके पुत्र संजू ने अकोदिया थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि जगदीश दरिया शराब पीने का आदि है और वह घर में शराब के पीने के लिए रुपये की मांग करता है और रुपया नहीं देने पर प्रतिदिन लाठियों से पिटाई करता है। पुलिस ने मामले में जगदीश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नीरज अग्रवाल के समक्ष विचारणीय था। इसी के साथ पत्नी ने अन्य प्रकरण में भी पति के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण लगा रखे थे, लेकिन लगभग 2 वर्ष बाद शनिवार को लोक अदालत में जब बबीता और संजू जिला न्यायालय शाजापुर में पहुंचे तो अभिभाषक शहीद पठान, जावेद पठान, सावेद पठान, बेरछा के प्रयासों से आपसी समझौता के बाद न्यायाधीश राजेंद्र देवड़ा, नीरज अग्रवाल ने पति को कभी शराब नहीं पीने का संकल्प दिलाया और राजीनामा कराकर दोनों पति पत्नी के मध्य 2 वर्षों से चले आ रहे विवाद को विशेष न्यायाधीश जसवीर कौर की मौजूदगी में समाप्त किया। इस दौरान पति पत्नी को पुष्पमाला पहनाकर सुखमय दाम्पत्य जीवन जीने के लिए राजी मर्जी से उनके घर के लिए रवाना किया। इसी के साथ नेशनल लोक अदालत में निपटाए गए 1330 प्रकरण में 5 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। अच्छा, सभी गांव के स्टार लगे हैं और उसके लगभग सभी लोगों में उत्साह है। काफ़ी लोग अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं और पेमेंट भी कर रहे हैं। इसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक, सभी स्टार लगे हुए हैं और सभी दूर पक्षकार, नगर निगम के भी जल कर, संपत्ति कर और प्रकाश कर, सभी के केसेस जो भी हैं वो आ रहे हैं और अच्छे फिगर्स मिल रहे हैं, तो हम उत्साह कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से, जैसे बैंक में प्रिंसिपल अमाउंट में भी दे रहे हैं और इंटरेस्ट में भी दे रहे हैं। इसी प्रकार बिजली विभाग भी 20% अभी तक के केसेस में दे रहे हैं और कुछ कोरोना काल के जो केसेस हैं अगस्त 2020 तक के, इवन उसमें 40% तक भी दिया जा रहा है। उसमें सभी का सहयोग चल रहा है। अधिवक्तागण भी पक्षकारों को समझाने में बहुत सहयोग दे रहे हैं और सभी मिलकर, पूरा बार और बेंच मिलकर प्रयत्न कर रहा है अधिकतम केस निराकरण करने का।